हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 8वीं गणित है और पाठ का नाम आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण है। और आपको इसमें बताएंगे हम समीकरण का नाम इसी पाठ से संबंधित है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पूरे में एक चर वाले रैखिक समीकरण है और इस रैखिक समीकरण पर हमने आपको समीकरण सिखाने का पूरा वादा किया था। मतलब हम आपको समीकरण पूरे सिखाएंगे, जितने होते, जितने भांत के होते, जितने हर प्रकार से कैसे आते हैं सब बताएंगे, हर प्रकार से बताएंगे। हमने इसके लिए आपको बताने के लिए, हर टाइप बताने के लिए, हर प्रकार बताने के लिए इनको हमने क्या किया, वीडियो को अलग अलग तरीके से बनाया। कैसे बनाया हमने इस समीकरण को हल करने के लिए, हमने भाग वन में बताया कि आपको जिनमें चरम संख्या जोड़ रहता है, जोड़ लगा रहता है, जोड़ वाले। फिर हमने दूसरे वीडियो में रहता था गुणा वाले बताया। फिर तीसरे में हम भाग रहता है जिनके चर में भाग रहता, जिन चरों के में भाग रहे, भाग भाग के होते हैं, मतलब बटे में रहते हैं या भाग में रहता बोल सकते हैं, जिन चरों के बटे में होता है या भाग होता है, तो उनको कैसे हम कहते हैं, उन समीकरण को हमने बताया है भाग वन, भाग टू, और बाकी सब हमने भाग तीन में भी बताया। तो भाग वन, भाग टू में सब हमने इस पर आप जी हम आपको बटे वाले, अभी तक हमने आपको गुणा में बता दिए, भाग में बता दिए, जोड़ में बता दिए, सब बता दिए, घटाना में बता दिए, सब चारों में बता दिए। अब आ गए बटे वाले, जिनमें बटे रहता है उन समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो मैं एक बार समीकरण को देख लो कैसे समीकरण है। आपको ऐसे आएंगे बटे में, जिनके बटे में हो गए ऐसे समीकरण आएंगे। तो बटे में ऐसे आते हैं। आप इनको हल कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, वैसे ही जैसे अपन पहले लगाए हैं वैसे काम है। और इनकी जांच भी हम बताएं बिल्कुल जरूर, यहाँ तक तो जी आपका हो ही जाएगा, इतने नीचे हम आपकी जांच बता देंगे, ठीक है। और ना बता पाए भी तो कुछ दिक्कत नहीं है, फिर अगली वीडियो में बता देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। आपको देख लो तो बताना, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला सिंपल है, एक्स प्लस के 5/2, जो प्लस में रहता है भाग, हमने बताया था चर को अलग करना होता है, असर को अलग करना होता है। समीकरण हल करने तो भैया समीकरण में दो दो राशियां होती है, एक तो चर होती है, एक अचर होती है, बीच में बराबर का चिन्ह रहता है, वो समीकरण कहता था, हमने भाग वन में बताया था आपको। तो इसमें देखो दो दो है, एक चर है और एक अचर राशियां, दोनों में चर अचर राशियां हो गई जरूर, तो वो समीकरण तो जरूर कुछ दोनों में चर राशियां होगी, और बीच में जो बराबर का चिन्ह होगा इसको बोलते हैं समता, ठीक है जी, होगा तो समीकरण, ठीक है। अब बात ये कि इनको एक्स चर है, ई बी सी डी का अक्षर है जी, जी कहलाती है चर, अचर कहलाते हैं गिनती, मतलब संख्या कोई भी संख्या हो, अंक हो, कुछ भी बोल दो, 5/2 जी संख्या, तो जी आपके सब अचर है, अचर को एक साइड करने, चर को एक साइड करने जी आपको एक काम है, तो कर वो जो एक साइड चर का और एक साइड अचर, वही समीकरण का हल होगा, ठीक है। तो इस समीकरण को ऐसे ही हल करेंगे अपन, ठीक है। तो इसको क्या पहले जन करते हैं, उतारो पहले लिख दो, दिया है पहले लिख दिया है समीकरण, क्या लिखेंगे पहले दिया है समीकरण कैसा, एक्स प्लस के 5/2, अगर आप पेपर में लगाए तो कैसे लगाना, बिल्कुल क्वालिटी में लगाए भैया, अगर आपका बराबर लगा तो जी एक साइड भर बिल्कुल सेम बराबर होते लेंथ से, दो क्रम से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो उन छात्रों के लिए बता दें जी भैया भाग चार है, पहले आप भाग वन, भाग टू, भाग थ्री देखें, अगर नहीं मिल रहा वीडियो तो भैया हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ से चेक करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के नीचे एक ऐसा चिन्ह होगा उस पर क्लिक करोगे, ऐसा बना होगा या ऐसा होगा उस पर क्लिक करोगे तो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, उसमें आपके वीडियो की लिंक डली होगी, भाग वन भाग टू ऐसे लिखा होकर डली होगी, तो वहाँ देख लें, वहाँ से क्लिक करके आप लोग सीधे डायरेक्ट वीडियो पहुँच जाओगे, देख सकते हैं। और हमारे चैनल में पहली बार हो तो भैया अपने मित्र को पहले वीडियो शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इसी प्रकार की वीडियो देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो नहीं पता चलेगा, कब वीडियो डलती है, कब आती है जी नहीं पता चलेगा, ठीक है। हमारी वीडियो सुबह से डलती है, एक तो शाम के भी डल जाती है और दोपहर के भी डाल देते हैं हम, ठीक है, कोई नियम नहीं है, वैसे शाम सुबह दोपहर सब डाल देते हैं, जब टाइम मिलता है जब डाल देते हैं, जब बनाने का टाइम मिलता है हम डालते रहते हैं।
है, जितना टाइम मिलते तो वीडियो बनाते हो, जितना बसता है उसमें पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो सब हमारा टाइम बुक रहता है। आप ऐसा समीकरण उतार लिया अगर पेपर में लिख रहे तो ऐसा उतार दो, ऐसा लिख लो तो भैया एक नंबर यहाँ तक के मिल जाते हैं, ठीक है। इतना कर्मी का तुमको एक नंबर, हाँ जी इतना कर्मी का भी एक नंबर मिलता है। अगर आपसे कुछ नहीं मिलता इतना ही लिख लो, एक नंबर मिल जाएगा। वैसे कोई देने वाला होगा तो देता, नहीं तो कोई नहीं देता। अब यहाँ से देखो, आपको हमने कहा था कि समीकरण को हल करने की सबसे पहले आपको चर को अलग करना है, अचर को अलग करना है। तो भैया अपना चर तो अलग ही है, जो फालतू के अचर बैठे हैं, जो डेरा जमा कर बैठ गए, तो हम एक एग्जाम्पल की सहित समझा जी, -5/2 अचर है। तो जी भैया तो डेरा डाले बैठे हैं कौन, इनके पास, चर के पास, इन इनको उठा के अगर ना कर दे तो अपना चर अलग हो जाएगा। इतने को करना है भैया, इसको करने के लाने आपको क्या करना होगा, सीधा क्या करें हम, आपको पक्षांतर करना, तो पक्षांतर से लगाना है ना आप। अगर पक्षांतर नहीं पता तो ये भाग वन जरूर देख, भाग वन भाग टू देख तो जरूर समझ में आ जाएगा। इसमें हम बताएंगे तो आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे तनाव जानकारी तो दे ही दे। तो 5/2 को क्या करना, पक्षांतर, पक्षांतर का भी बता देंगे क्या कहलाता है, पक्षांतर, पक्षांतर करने पर, ठीक है, हो गया। इतना से काम ही रहता है और कुछ नहीं ज्यादा करना होता। 5/2 को पक्षांतर करेंगे भैया, 5/2 को जब हम इस साइड ले जाएंगे, वहां दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, मतलब यहाँ से तो यहाँ पर 5/x को कुछ नहीं किया अपन, तो x जाएगा का तय लिख देंगे, और बराबर भी जाएंगे का तय, हमने 8 को कुछ नहीं किया तो 8 भी जाएंगे का तय। हमने किया किसको है, -5/2 को पक्षांतर किया, पक्षांतर किया मतलब इस पक्ष को इधर से उठा के उधर ले जाएंगे, ये पूरी संख्या को हम उठा कर इधर ले जाएंगे। तो जी भैया जो इधर प्लस का 5/2 तो ना आएगा, ई पक्ष में आएगा, तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने में क्या बनता है, चिन्ह बदलता है, मतलब किराया लगता है। बोल सकते कि अपन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ई पक्ष से रास्ता तय कर भी यहाँ तक पहुंचेंगे तो कराया किराओ, ठीक, किराया लगेगा। जैसे अपन कहीं से उधर तक जाएंगे तो किराया देना पड़ेगा, तो किराया क्या लग, कैसा होता है, जगह अगर आपके पास प्लस में है पैसा, प्लस में है आपके पास तो आपको क्या लगेगा, माइनस, अगर माइनस है आपके पास तो प्लस लगेगा। पहले वीडियो में देखे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अब अगर आप लोग शुरू से देखोगे तो समझ में जरूर आएगा, बीच के बीच कोई नहीं समझ में आता। अगर आप कहीं भी बीच के बीच खड़े हो जाओ तो देखते कछु भी हो या, अगर आप कछु देख रहा हो, कछु भी नाटक देख रहा हो, फिल्म देख रहा हो, बीच के बीच देखो तो अपन कछु समझ में, लास्ट शुरू से देखो तो अपन कछु समझ में आओ, क्या कहो ऐसे ही है। 5/2 ऐसे तुम शुरू से वीडियो देखो तो तुम्हें कंटिन्यू पूरे विभाग देख लो, भाग 1 से भाग 2 3 4 यहाँ पर सब देख लो तो आपको समझ में आएगा। भाग 4 तो देख ही गए। 5/2 को यहाँ तरफ पक्षांतर कहेंगे तो 8, और 8 के बाद क्या आ जाएगा, प्लस का था दिया जाएगा, माइनस का, अगर जिससे बनते हो तो उसको तो समझ में आता ही जाएगा, ठीक है। अब भाई साहब इधर आ जाता है, इसके बटे में कुछ नहीं तो भैया इसके बटे में एक मान लो, एक होता है, इसके सबके बटे में एक होता है, तो इधर बन जाएगी आपकी क्या, जैसे इधर क्या हो जाए, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में एक मान लो, तो 5 -5/2 तो इसकी बन जाएगी यहाँ पर भिन्न। तो यहाँ पर करेंगे अपन भिन्न सॉल्व, और क्या करेंगे, एक्स बराबर कितना जाएगा, इसका नहीं भिन्न बनती तो त्रिया गुणा कर दो, जैसे इसका ऊपर गुणा कर देना, इसका ऊपर गुणा कर देना, फिर आमने सामने का गुणा करना, इतना करना बस, आपकी गुणा वाली भिन्न हो जाएगी। एक दे भैया जितनी चिन्ह देख लो, इसका गुणा करने पहले ना एक हर को ई के गुणा करेंगे, 16 इस साइड, पहले इस साइड से ना गुणा करना, ठीक है। फिर इसका इधर करोगे तो साइड 5 एकम, फिर आमने सामने का, एक का आमने सामने कर देना, 2 एकम 2 आपके भिन्न हो गए, ठीक है। एक्स बराबर कितना जाएंगे, 16 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो घटाना होगा, प्लस के 16 है माइनस के 5 है तो घटाना होगा, तो 16 में से 5 यहाँ पर 16 प्लस का माइनस का 5 तो घट जाएगा, 16 में से 5 के 11 बच जाएगा, बटे में 2, 11 में 2 का भाग नहीं जाता तो उसको जहीं का तहीं लिख देने, अगर भाग जाए तो दे देते हैं, जितना भाग फल आए तो वहाँ पर भाग फल लिख देते हैं, ठीक है। अब आप से बताओ, यहाँ पर हम इसकी जांच तो नहीं बता पाए क्योंकि नीचे बनेगा नहीं, देखेगी नहीं फिर आपको,
तो हम ऐसा करेंगे अगले वीडियो में आपको इसको अलग से बना कर डाल देंगे जेम्स, ठीक है। अभी आपको ऐसे करवाएंगे, ठीक है। एक प्रकार का जेहक टाइप जे है, अब आपको ऐसा बन जाएगा ना, बन जाएगा शायद हमारा अंदाज कह रहा कि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें वैसे ज्यादा कुछ नहीं किया अपन, हम कुछ ये देखा कि हमको इसको अचर कोई साइड ले जाने, तो हमने सोच लिया कि प्लस के 5 वोल्ट को काकल में पक्षांतर, सो एक्स जेंक होता है और बराबर जेंक होता है, आठ भी जेंक होता है, हमने पक्षांतर किया किया। और इधर सॉरी यहाँ पर देखो जिसको स्टेप हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसमें लिखा ही नहीं है एक्स बराबर आठ हो, इसको क्या 5/2 को पक्षांतर किया, सो क्या होगा इतना माइनस के 5/2 ऐसा लिखना था, लेकिन उसमें और बस लिख दिया था क्या उल्टा हो गया था ना, पक्षांतर भी तो लिखा नहीं, तो उसमें छूट गया, फिर जी लिखना था आगे लिखो ना, वैसे कदम छोड़ो बहुत पसीने आ रहे यार। अब इसको कैसे करना है, वैसे ही है, इसमें 2/3 का मैं अचार लिख रहा हूँ, प्लस में तो सबसे पहले क्या करोगे वैसे दिया लिखते हो कि सबसे कम बेला भी है कि सबको दिया लिख देने, दिया लिख दोगे तुम, दिया लिखो क्या लिखोगे वाई प्लस समीकरण लिखा ना, समीकरण दिया तो दिया समीकरण, तो समीकरण वाई प्लस के 2/3 बराबर 5/3, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना हल, तो भैया इसमें हमको जी दिख रहा है कि जी दिख रहा है कि इसमें प्लस में अचर लगा है अलग से, तो इसको उस साइड पक्षांतर कर देंगे अचर के साथ, तो प्लस के 2/3 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, और इसमें अगर आपसे भिन्न बनती तो आपसे जल्दी बन जाएंगे, अगर भिन्न नहीं बनती तो ये बहुत टाइम लगेगा आपको सीखने में, पहले से पहले भिन्न सीखने पड़ेगा भिन्न। तो यहाँ पर पक्षांतर कर दिया तो y बराबर क्या जाएगा, इसको तो हम यहाँ से ले जाकर पूरे को इस साइड ले जाएंगे, तो जी वाला इधर लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आपको ही कोई कहे कि आप सबसे पहले बैठे तो जो आएगा पीछे खड़ा होगा, तो जी भैया बाद में आएंगे तो इधर खड़ा होंगे, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस का, तो प्लस का पक्षांतर होता तो चिन्ह बदलना पड़ता, तो क्या हो जाता माइनस का 2/3 जी आ गया। अब ना इस साइड देखो, देख लो मूंद लो ना ढाक लो ना जो भिन्न बन गई, तो आपको भिन्न सॉल्व करनी पड़ेगी, तो देखो दोनों के हर समान, जब हर समान हो तो ऊपर माइनस या जोड़ घटाना हो तो जोड़ घटा के लिख देते डायरेक्ट, तो ठीक है। तो हर समान है, 3 जेंक होता है 5 में से घट रहा 2 घटा के लिख दो, 5 में से 2 घटाना लिख दिया, एक बार हमने डायरेक्ट घटाया नहीं, हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब 5 में से 2 घट जाएगा कितना जाएगा 3/3। अब यहाँ पर देखो भाग नहीं गया था 2 में 11 का, यहाँ पर भाग नहीं गया था 11 में 2 का भाग नहीं गया, तो सुजेंगे होता है यहाँ पर 3 का भाग 3 में तो चला जाएगा, 3 एकम 3 यहाँ पर चला गया, ऐसा अपन कर देते उनको बोल देते काट दे, बात एक ही है भाग दो या 3 एकम 3 का दो उन्हें कट कर भाग देता, ये को मतलब जो काट भी को भाग दो जो ना समझ भी कछु और हो। अब आपको जो अब एक नए तरीका से, अब इसमें माइनस लगा तो वैसे ही कछु करना नहीं है, इतने गुणा में 3 है, इसमें देखो इसमें जो जोड़ी बस में थे, इसमें भी जोड़ में थे, इसमें गुणा में भी 3 लिखे, इसके मतलब यहाँ पर 3 पी इनके चिपके हो समझ जाओ गुणा में लिखे, अगर बटे में हो पी के 4 के बटे में उससे भाग खाओ, और माइनस के 1/2 माइनस में लिखे थे, तो पहले माइनस वाले हैं, पहले हमने कही थी कि जोड़ और घटाना वाले पहले पक्षांतर का, तो जोड़ लगाए सॉरी माइनस का घटाना लगा, तो पहले डायरेक्ट अब आप दिया या हर भी लिख लेना, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे माइनस के 1/2 को क्या लिखेंगे सीधे पक्षांतर करने, तुम लोग लिख लेना नहीं हम कहाँ लिखेंगे, हर टाइम तो अलग अलग ठीक है टाइम पर से तुम्हारा 1/2 को पक्षांतर कर दो, कहा जाएगा ये 3p बचो तो आगे बचोगा तो अपनो वाई बस, क्योंकि यहाँ वाई बस रहती है आपकी, देते 3p तो 3p बचे हैं, कोई अपन लोग जो पहले घटाना वाले पक्षांतर करो ना, तो यहाँ पर 3p बराबर क्या जाएगा 2, और यहाँ पर जाएगा तो साइड माइनस का है तो भैया इधर आ जाएगा प्लस में, अगर देखना हो तो यहाँ पर जब प्लस होता था तो अपन यहाँ पक्षांतर करते तो 5/2 का चिन्ह का एकदम माइनस, इधर प्लस था तो माइनस, इधर माइनस है तो क्या हो गया प्लस, बदलते हैं यहाँ माइनस से इधर प्लस हो गया 1/2 बदलते हैं। अब आपको हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में क्या होता है, एक तो यहाँ पर बन जाएगी भिन्न,
अगर आपको नहीं करना है ऐसी तो भंग नहीं बना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसी इसका गुणा ऊपर करो डायरेक्ट सीधा ऐसा, दुदूना चार और प्लस को ऊपर एक, तो जैन को तो बटे में कितना था इसके 200, ऐसी भिन्न हो जाती है। किसी भी प्रकार से सॉल्व करो, 4 में जोड़ोगे 5/2। आप ठीक है, अब यहाँ पर गुणा में लगा तो यहाँ पर एक गुणा के 3 के पक्षांतर का, गुणा 3 को पक्षांतर करने पर, गुणा के 3 को पक्षांतर करने पर कहाँ जाता है भाग में, एक भाग में पहले ही से था तो भैया गुणा में हो जाएगा, भाग के गुणा में लग जाएगा, 2 पहले से था जी आएगा तो इनकी गुणा में ही आ जाएगा, ठीक है। जिन्हें कहना कि 3 और जोड़ दो, बट भाग में आता तो भाग के भाग में होगा तो गुणा ही होता है, ठीक है। भाग के भाग में आवे तो गुणा में होता, तो गुणा 5/2, 2 3 का गुणा हो जाएगा, द्वितीया 6, ठीक है। तो 5/2 कितना आ गया, 6 आ गया इसका आंसर। हल हो गया पी बराबर कितना है 5/6, इसका जी हल कहलाता है। वाई बराबर 1, इसका जी हल हो गया। एक्स बराबर 11/2, इसका भी हल हो गया। ऐसे ही जेड बराबर आ गया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, -6/5 को पक्षांतर करने। अब इसमें जेड का है तुम्हारी चर राशि, पहले तो आपको चर राशि पहचाननी पड़ेगी, चर राशि पहचानने के बाद फिर उसको अचर को पक्षांतर करो, ठीक है। पक्षांतर करने पर आपका जेड जय का तय रहेगा, 7/5 भी जय का तय रहेगा, ठीक है। और 6 इस साइड जाएगा तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, या माइनस का 6/5 क्या हो गया प्लस में। अब हर समान है तो दोनों के हर समान है तो ऊपर के क्या हो जाएंगे, अंश जुड़ जाएंगे, दोनों अंश जुड़ जाएंगे तो भिन्न कलन ऐसी आएगी, जैसी कौन भिन्न बननी चाहिए, भिन्न सी को अगर नहीं बनती है 7/6 जोड़ दे 13/5 कितना हो जाएगा 5। और भैया इधर से भी हल होगा नहीं, कैसे 13 में 5वां भाग जाता नहीं, तो इसको जैन कहते हैं कि तो ऐसा ही लिखा रहेगा। तो देखो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करके बताना। एक कमेंट जरूर कर दीजिए प्यारा सो बढ़िया सो सुंदर सो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा हो, जरूर बताएं। एक बताने का प्रयास जरूर करें यार, वीडियो कैसा लगता है, इतनी मेहनत से हम बनाते हैं वीडियो आपके लिए लाते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट भी नहीं करते, हमारी मेहनत को पानी में मिला देते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद नहीं आता तो बता दो भी, एक कमेंट करके बताओ आपका हमारा वीडियो कैसा लगो, जैसा भी लगो तो कमेंट करके दिखाओ और बताओ। इतनी कृपा जरूर करो, इतनी कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर भी कि आप लोग हमारा वीडियो तो देख जाओ, जो आप लोग एक भी वीडियो नहीं हमारा देखते हो, लेकिन देखो चाहे ना देखो भैया देख लो, ठीक है, कछु नहीं है। आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक रहने देंगे और अगले वीडियो में लाएंगे और भांत के समीकरण, अगर आपको पढ़ना चाहते हो सीखना चाहते हो तो हम जा गारंटी लें कि आप समीकरण किसी भी प्रकार के समीकरण हो आप हल कर सकते हो, बस एक चर में कोई भी समीकरण हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण आप कोई भी भांत का हल कर सकते हो, चाहे जैसे गुणा में हो लिखो, चाहे भाग में हो, चाहे जैसे लिखो, सब आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, जय श्री राम, और अगले प्रकार के लाएंगे या अगली वीडियो में बताएंगे दोनों पक्षों में जब चर होते तब कैसे हल करते हैं जे भी बताएंगे क्लियर करके। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।